बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं जो टिप्स लेके आई हूँ वो दो हैं, दो नहीं आप तीन कह सकते हैं। इस तरह से कि एक तो है फेस क्लीन होता है लेकिन उसमें शाइन नहीं होती, उसमें खूब यानी कि वो उस तरह से बगैर कोई बीबी क्रीम लगाए या कुछ किए अच्छा नहीं लगता। हमें लगता है जैसे रूखापन है फेस में, या कोई ऐसा इशू होता है स्किन में, बहुत ज़्यादा ड्राई होती है या बहुत ज़्यादा रूखी सी होती है। दूसरी टिप जो है वो है छाइयों के लिए, छाइयाँ जो बहुत ज़्यादा पड़ने लग जाती हैं, कभी आयरन की कमी की वजह से, कभी कोई और प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार तो टेंशन्स वगैरह और एवरीथिंग, यानी कि आपकी अच्छी डाइट नहीं है तो उसकी वजह से भी हो जाती हैं। और तीसरी जो है वो ब्लैक और ब्राउन जो है तिल जो है फेस पे प्रोमिनेंट होने लग जाते हैं जब इंसान सन लाइट में बहुत ज़्यादा निकलता है, जब समर होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हीट और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाते हैं फेस के ऊपर। तो सबसे पहले मैं फेस जो शाइन करने के लिए है वो बताने जा रही हूँ आपको। आपने क्या करना है, आपके घर में हर वक्त रोज़ ही टमाटर यूज़ होते हैं तो मैं इनकी कैप्स जो है वो ज़ाया नहीं करती। जब ऐसे कोई कैप ले लेती हूँ तो मैं इसके ऊपर आप लाइट सा हल्दी पाउडर लगाएं, ऐसे बिल्कुल लाइट सा, और इसके ऊपर आप बिल्कुल वन ड्रॉप जो है वो शहद, आप जस्ट ये वन ड्रॉप हमने इसके ऊपर ये ले लेना है और इसको इसके ऊपर साथ मिक्स कर देना हमने, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए हल्दी और जो हमारा शहद है। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसको मैं ऐसे, और देन हम इसको रब करेंगे अपने फेस पे इसी तरह से। आप इसको 5 मिनट 10 मिनट लगा सकते हैं, टाइम कम है, आपने कहीं जाना है तो आप जस्ट 2 मिनट, जैसे फेस वॉश करने गई हैं, फेस वॉश लगाया आपने, जस्ट ये लगाया और वॉश कर दिया, आप देखेंगे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा टाइम आपको इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे आपने रब किया और जस्ट आपने इसको छू, ड्राई या रूखी बहुत ज़्यादा लग रही होती है ये उसके लिए शाइन करने के लिए फेस को। करने लगी मैं, ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगी, ठीक है, तो इसको मैं रिमूव कर देती हूँ, आप इसको लगा रहने दें और देखिएगा, ये देखें स्किन में ऑलमोस्ट कितनी शाइन इतने में ही आ गई है, आप ये चेक कर सकते हैं। स्किन शाइन करने लग गई है। अब सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि हमारे फेस पे जब छाइयाँ बहुत ज़्यादा पड़ जाती हैं तो बहुत बुरा लगने लग जाता है, बहुत अलग से स्पॉट होते हैं, बहुत तंग करते हैं। तो इसके लिए सबसे आसान चीज़ ये है कि आपने कोई भी ड्राई मिल्क जो आपके घर में अवेलेबल है, बच्चों का है, कोई चाय के लिए है, कुछ भी जो भी आपके घर में अवेलेबल है, आपने वो 1 टीस्पून लेना है, ठीक है, इसको 1 टीस्पून बिल्कुल लाइट सी हल्दी इसमें आप डालेंगे और लेमन के साथ इसको आप बना लेंगे। ये तीन चीज़ें आपने ऐड करनी है, लेमन, हल्दी और ड्राई मिल्क जो है, ये तीनों चीज़ें आपने मिक्स की और इनको आपने रख दिया 2 मिनट के लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, इसे फेस पे अप्लाई करना है, जिस जगह पे वो है वहाँ आप ज़्यादा देर लगा दें, पूरे फेस पे भी लगा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन बेहतर है कि आप स्टार्टिंग में, क्योंकि आप उसको रिमूव करना चाह रहे हैं, क्योंकि फेस साथ साथ नीट होता जाएगा तो उसका रिजल्ट आपको पता नहीं चलेगा, विद इन 1 वीक आपको रिजल्ट पता चलने लग जाएगा कि वो रिमूव होना शुरू हो गई है। अब आते हैं हम लोग तिल या ब्लैक तिल या ब्राउन तिल जो फेस पे एकदम प्रोमिनेंट होने लग जाते हैं जिन दिनों बहुत ज़्यादा आप सनलाइट में बाहर निकले हैं या गर्मियों में ऐसा कोई इशू हो जाता है, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि उसके लिए आपने नारियल जो है कच्चा नारियल आपने लेना है, उसका जो पानी है और जो नारियल है आप वो खा सकते हैं और जो पानी है वो आप पी सकते हैं। सबसे आसान तरीका, ये सबसे ईजी है, वो आपने लिया और वो आपने पीना है। विद इन वीक मैं आपको बता रही हूँ फिर से कि इसका भी रिजल्ट आने लग जाएगा। और दूसरी चीज़ जो आपने करनी है, वही नारियल जो आपने कच्चा लिया है वो थोड़ा सा आप कश कर लें या उसको ग्राइंड कर लें जैसे आपको ठीक लगता है, उसमें आप ड्राई मिल्क डालेंगे और लेमन डालेंगे और उसको आप पेस्ट सी बना के
आप अपने फेस पे जहाँ आपको वो तिल नज़र आ रहे हैं आप वहाँ लगा दें, इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैंने रिजल्ट देखे हैं। मैं पानी से ही आपको बता रही हूँ कि उसका पानी पीने से ही आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट प्रोमिनेंट होगा बहुत जल्दी। नारियल का पानी जो है वो पीने से इस प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा ज़्यादा नहीं कर सकते, पानी इतना नहीं पी सकते, ओके है, कभी कभी पी लिया करें जब सनलाइट में आप निकलें, लेकिन ये काम अगर आप करेंगे तो बहुत जल्दी वो रिमूव हो जाएंगे। ये थी मेरी 3 टिप्स आज के लिए, और ये आपको उम्मीद है कि बहुत पसंद आएंगी। इतना मुश्किल काम नहीं, ये सब चीज़ें घर में अवेलेबल होती हैं। टमाटर तो मैं आपको बताऊँ कि आप अगर ये कैप्स लेते हैं, आप खाली भी अगर इसको अपने फेस पे या हाथ पे या जहाँ भी आप लगा के इस तरह छोड़ दें, मैं तो यही करती हूँ, मैं इस तरह लगाती हूँ और उसको जस्ट छोड़ देती हूँ, और 15 मिनट्स के बाद आप फेस वॉश कर लें, या हंडिया जितनी देर पका रहे हैं आप उसको लगा रहने दें और फेस वॉश कर लें। तो खाली टमाटर भी अगर आप इस तरह इस कैप को ज़ाया मत करें और अपने काम में ला सकते हैं ईजीली। इसी तरह लेमन, ड्राई मिल्क और हल्दी और हनी जो है हमारे घर में हर वक्त अवेलेबल होती हैं ये चीज़ें, तो इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है और बहुत इजीली। और नारियल का पानी भी आपको बहुत इजीली मार्केट में मिल जाता है, ऐसा कोई मसला नहीं है कि बहुत महंगा हो या बहुत ऐसा, आप बहुत थोड़ा थोड़ा पिए, ज़्यादा पीने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपने अगर लिया है तो आप 2 दिन में वो ख़त्म कर सकते हैं, कोई इस तरह का इशू नहीं है, और नारियल आप साथ साथ कच्चा वो खा सकते हैं। तो ये थी मेरी आज 3 टिप्स, जो एक मैंने आपको बताया ड्राई फेस के लिए, यानी कि जो बहुत ज़्यादा रूखा लगता है, उसमें शाइन नहीं होती, उसके लिए एक थी छाइयों के लिए, और एक थी जो तिल बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होने लग जाते हैं ब्राउन और ब्लैक कलर के फेस पे, और वो कुछ टाइम के अंदर ही आपके आते हैं जब आपको पता चलने लग जाता है कि ये अभी स्टार्ट हुए हैं, और वो एकदम एक जगह पर ज़्यादा प्रोमिनेंट होने लग जाते हैं। तो ये आप इंशाल्लाह ताला ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिएगा, और जो है फिर मैं बता दूं कि ये प्रॉब्लम्स मुझे बहुत सारे लोग बता रहे थे, क्योंकि हम लोग जब फेस पॉलिशर करते हैं या चल लेते हैं तो इनसे ये चीज़ें काफ़ी हद तक कुछ दिन के लिए ऐसा हो जाता है कि फेस शाइन करने लग जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वो बैक होना शुरू हो जाता है। तो उसका आसान हल है कि आपके अपने घर में ये चीज़ें अवेलेबल हैं, आप यूज़ करें और रेगुलर अपने फेस को इस चीज़ के लिए रखें। इंशाल्लाह ताला फिर हाजिर होंगी, अल्लाह हाफिज़।